Hello children, good morning. I am Neelam, your teacher. Children, आज हम आपको मालूम है क्या पढ़ेंगे? Fun class. और class में क्या करेंगे? Fun करेंगे. शायद आप भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा bore हो गए होंगे, तो आज मैं भी पढ़ाने के mood में नहीं हूँ, तो हम क्या करेंगे यार? Fun class करेंगे. That's why name of today's lecture is Fun Class. Okay? तो आपको पता है इस Fun Class में आज हम क्या करने जा रहे हैं? बच्चों, आज हम इस Fun Class में कार्टून पजल बनाएंगे. क्या बनाएंगे बच्चों? कार्टून पजल बनाएंगे. सबसे पहले हम कार्टून बनाएंगे, फिर हम उसको पिक्चर्स को कट करेंगे और फिर उसको किस तरह से पेस्ट करेंगे, ये सब आज हम आपको इस लेक्चर में दिखाएंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले इस कार्टून पजल में आपने देखा ये कौन सी पिक्चर है? ये कौन सी पिक्चर है बच्चों? मिक्की और मिनी. किसकी पिक्चर है बेटा? मिक्की और मिनी. ये आपको बहुत अच्छे लगते हैं ना? हमें भी ये बहुत अच्छे लगते हैं. तो आज हम कार्टून में इन दोनों की ही पिक्चर बनाएंगे. ठीक है बच्चों? तो इस पिक्चर बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होती है, चलो देखें कि इस पिक्चर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए. तो सबसे पहले देखिए स्केल. क्या चाहिए? एक हमें स्केल चाहिए. दूसरे नंबर पे पेंसिल, फिर इरेजर, उसके बाद स्केच कलर, फिर स्केच कलर के बाद और भी चीजें चाहिए, वाइट ए फोर साइज शीट, कार्डबोर्ड, फेविकोल एंड सीजर. तो आपको पता लग गया ना बच्चों, इन पिक्चर के कार्टून पजल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या मटेरियल चाहिए, ये सारे मटेरियल हमें कलेक्ट करके रखने होंगे. ठीक है बच्चों? इसके बाद हम देखो, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, स्केल, पेंसिल, इरेजर, और इसके बाद देखो आप पेंसिल इरेजर देखने के बाद आप और भी कुछ देख रहे हो कि हमें एक ए फोर साइज शीट भी चाहिए, जो आप देख रहे हो किस तरह की है, और ये वेस्ट आप सॉफ्ट जो कार्डबोर्ड देख रहे हो ये हमने किसी रजिस्टर का लिया है, क्योंकि जो घर में वेस्ट पड़ा होता है जरूरी नहीं बाहर से परचेज करो, उस सॉफ्ट कार्डबोर्ड ले सकते हो. ठीक है बच्चों? ये सारे मटेरियल इकट्ठा करने के बाद हम सबसे पहले ए फोर साइज शीट पर क्या करेंगे? पिक्चर ड्रा करेंगे. क्या करेंगे? पिक्चर ड्रा करेंगे. तो बच्चों आपको समझ में आया? बच्चों आप क्या देख रहे हो? ये सॉफ्ट जो कार्डबोर्ड था ये वो देख रहे हो. अब हमने क्या किया, इस पर पिक्चर देखी कि ये इसके ऊपर पिक्चर पूरी आ जाएगी. अब हम क्या करेंगे, जो सॉफ्ट कार्डबोर्ड पर आराम से बड़े प्यार से फेविकोल लगाएंगे और धीरे धीरे उसको फैलाते हुए करेंगे कि जिससे कोई भी थिकनेस उसके ऊपर न रह जाए. जहाँ भी हमारी फेविकोल ना हो वहाँ पे हम डॉट्स लगाकर उसको धीरे धीरे फैलाते जाएंगे. तो देखो जैसे मैंने डॉट्स लगाए हैं ना बच्चों, क्यों लगाए हैं? क्योंकि अगर मैं कहीं भी ज़्यादा लगाती हूँ तो वहीं भी थिक सा पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने डॉट्स लगा के उसको एक रूलर की सहायता से फैला दिया है. अब क्या करना है बच्चों, जब ये पूरी तरह से फैल जाए तो हमें क्या करना है, जो हमने पिक्चर बनाई थी उसको उठानी है और बड़े आराम से और प्यार से उसके ऊपर पेस्ट करनी है, और पेस्ट करते वक्त उसे हम हाथ से धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे. क्या करते जाएंगे? प्रेस. क्यों? कहीं भी कोई भी बबल या कोई भी सलवट ना रह जाए. तो
तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से प्रेस करी। अब बच्चों आप जैसे देख रहे हो पीछे, मैंने इसके पीछे बैक में क्या बनाए हुए हैं, कुछ स्क्वायर बनाए हैं और कुछ रेक्टेंगल बनाए हैं और कुछ क्या बनाए हैं उनके बीच में सेमी सर्कल बनाए हैं। तो पूरे इस पिक्चर के जो बैक में है मैंने रेक्टेंगल, स्क्वायर और सेमी सर्कल बना दिए हैं। देखा बच्चों आपने? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने ये कैसे बनाए हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल से उसके ऊपर लाइन ड्रा करी, सारे उस पर धीरे धीरे ड्रा करी। और देखो जैसे मैं ड्रा कर रही हूँ ना, ड्रा करने के बाद फिर उसके ऊपर स्क्वायर और साइड से ड्रा करने पर स्क्वायर और रेक्टेंगल बना रही हूँ। आप देख रहे हो ना मैं क्या बना रही हूँ? तो साइड से ड्रा करने पर क्या बना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो इस तरह से इस पूरी शीट पर मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रा कर लिए। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले देखो अभी बच रही है अभी थोड़ी सी शीट। स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर रेक्टेंगल है उनके बीच में क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? सेमी सर्कल। आपको पता है ये सेमी सर्कल मैं क्यों बना रही हूँ? क्योंकि जब हम इस पिक्चर को कट कर देंगे तो जब हम इसको एक दूसरे के अंदर फिट करेंगे तो ये सेमी सर्कल एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएंगे और हमारा पजल कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से बारी बारी से पूरी शीट पर सेमी सर्कल बना रही हूँ। तो देखा ना बच्चों आपने? तो आप भी इसी तरह से जब पिक्चर बनाएं तो उसके बैक में इसी तरह से स्क्वायर काटें और सेमी सर्कल बना दें। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक आपको समझ में आया ना अच्छी तरह से? देखो अभी भी कुछ रह रही हैं तो मैं उसको अभी और पूरा कर रही हूँ, जो सेमी सर्कल रह रहे हैं। अब इसके बाद देखो ये शीट पूरी होगी सेमी सर्कल बनने के बाद, इस तरह से ये शीट पूरी हो। देख रहे हो इस पिक्चर को मैंने कट किया है और कट करके फिर दोबारा से अरेंज किया है। तो अब इस पिक्चर को मैं आपके सामने एक बार फिर शफल करती हूँ और फिर दोबारा से इस पिक्चर को सेट करती हूँ। बच्चों काटते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी कॉर्नर गलती से हमसे ना कट जाए, ठीक है बच्चों? अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारी पिक्चर्स को सीधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? सीधा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि इन पिक्चर्स को देखते वक्त वन बाय वन हमें किस तरह से लगानी है, किस तरह से लगानी है, ठीक है बच्चों? तो अब आप देखिए कि मैं सारी पिक्चर्स को एक साथ लगाने के लिए देख रही हूँ और पहले सब पिक्चर्स को अब मैं सीधा कर रही हूँ, क्योंकि सीधे करने से हमें जल्दी से जल्दी पता लग जाता है कि हम पिक्चर को किस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले देखिए हम अपनी इस पिक्चर को इस तरह से अरेंज करेंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ लगाएंगे, जो कि ये सेट होता जाएगा इसके साथ साथ। देख रहे हो ना बच्चों जैसे मैं लगा रही हूँ? इसके बाद हम इसे सेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा इसके साथ ये सेट नहीं हो रहा है। आप देखते रहिए और फिर साथ साथ खुद भी सेट आपको करना इसी तरह से पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो अब ये देखिए मैंने इसके साथ यहाँ सेट नहीं हुआ तो क्या किया, क्या किया बच्चों? दूसरा उठा के देखा और उसको वहाँ सेट करने की कोशिश की। जैसे अब ये उठाया तो ये देखा मैंने ये यहाँ सेट हो गया। तो मैंने इसके बाद यहाँ से ये उठाया और इसको इसके साथ सेट कर दिया। उसके बाद देखो अगला नेक्स्ट उठाया और यहाँ सेट कर दिया, ठीक है बच्चों? अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये इधर तक तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि फिलअप हो रहा है। अब इसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट देखूँगी कि ये शायद यहाँ सेट हो जाएगा। हाँ शायद ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये नंबर उठाया और मैंने इसको यहाँ पर सेट
कर दिया। तो बच्चों इतनी फिक्र पूरी हो गई। ये उठे उठे आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये हमने कट किए हुए हैं। उसके बाद हमने ये शीट ली और इसको उठा के यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ली देखो, हम यहाँ लगाने सोच रही हैं, नहीं यहाँ ये पिक्चर सेट नहीं हो पा रही है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ये पिक्चर हमारी यहाँ पर सेट हो जाए। तो ठीक है बच्चों, हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर हमारा वाइट है तो यहाँ भी वाइट है, तो उसको देख के हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा रेड है तो हमें ये रेड नजर आ रहा है, तो हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है बच्चों, और ये सेट करने के बाद यहाँ पर आप स्किन कलर नजर आ रहा है तो इसमें भी स्किन कलर आ रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, इसके साथ यहाँ पर सेट कर दिया। तो आपने देखा अभी हमारी आधी पिक्चर बनी हुई है। कितनी बनी हुई है? आधी। इसके बाद देखो बच्चों इसमें ग्रीन सा कलर नजर आ रहा है ना, तो मैं कोशिश करूंगी इसको इस ग्रीन कलर के साथ मैच करूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये मैंने इसको उठाया और इसको इसके साथ सेट कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक तरफ की पूरी कर रही हूं पहले मैं, इसको हमने यहां लगाया और ये पूरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट उठाया उसको मैंने क्या किया, इसके साथ एडजस्ट कर दिया। बच्चों जैसे कि ये मैंने खुद ड्रा की है और इसलिए मुझे पता है कि इसको मैं कहाँ सेट करूं, इसी तरह से आप भी खुद ड्रा करेंगे और उसको शफल कर देंगे और उसके बाद उसको आप दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, अपने मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हो कि ये करने के बाद आप उनसे उसको फिर दोबारा अरेंज करवाओ कि ये आप सेट करिए कि ये पजल कैसे बना, और उस पजल को अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर देना जिससे कि उस पजल को उठाने में, अब देख रहे हो ना आप, अभी यहाँ ये पिक्चर सेट नहीं हुई है तो हमने क्या किया, दूसरी पिक्चर उठाई और कोशिश की ये यहाँ पर सेट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक पजल उठाएंगे और उसको सेट करते जाएंगे। अब ये लास्ट रह गया, इसको उठाया मैंने और इसको यहाँ सेट कर दिया। तो बच्चों आपने क्या देखा, कुछ उठे हुए पार्ट दिख रहे हैं, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि मेरे पास घर पर हल्का कार्डबोर्ड था तो मैंने उसी को यूज किया। और आप देख रहे हो ये पिक्चर पूरी हो गई। क्या हुआ इस पिक्चर में, कौन कौन है, मिक्की और मिनी। तो बच्चों आप भी इसी तरह से अपने कार्टून की पिक्चर पहले ड्रा करना, फिर उसको एक पेपर पे पेस्ट करना और फिर उसको बैक साइड से जैसे मैंने बताया था स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रा करके और बीच बीच में सेमी सर्कल बनाना और उसको कट कर देना। कट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको मिक्स कर देना और या अपने भाई बहन या मम्मी पापा या अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेलना और फिर दोबारा उससे पिक्चर बनाना। तो बच्चों आपको ये कैसी लगी आज की ये पिक्चर, शायद अच्छी लगी होगी, शायद आप मुझसे भी अच्छी पिक्चर ड्रा कर सकती हो। तो मैं देखूंगी कि आपने मुझसे कौन सी अच्छी पिक्चर ड्रा करी और उसका किस तरह से पजल बनाया। तो आपको छुट्टी मिलेगी संडे की, तो आप कोशिश करना कि एक बार फिर आप अपनी तरफ से पजल बनाएं और फिर मुझे शो करें। धन्यवाद।